भगवान राम आए हैं। जब भगवान श्री राम आए शिव जी के सामने तो भोलेनाथ ने अभिवादन कितना बढ़िया किया है। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? केसर धरी आयुष करहूं तुम्हारा, एक बात जीवन में ध्यान से सुना सभी बच्चे, बेटा प्रणाम तो तुम करते हो लेकिन प्रणाम का तरीका ये नहीं है। बहुत दिन पहले हमारे होश में प्रणाम कोई करता था तो वास्तव में दोनों पैर छूता था वो और तब प्रणाम करता था। सही बताइए, आज पान तक हाथ जा रहे हो काऊ को घोटुन तक, अब तो घोटुन तक भी बन रहा है कमर तक। लेकिन सुनो, एक त्रिपुरारी भगवान जो देवताओं के महादेवता थे, आज वे भगवान राम को प्रणाम कैसे कर रहे हैं? सिर धरे, सिर को चरणों में रख करके प्रणाम। सर धरे आयुष करहूं तुम्हारा, ऐसे हैं। सभी नौजवान बच्चे बेटा ध्यान से सुनना, इन पे कभी विचार मत करना कि जहां में घाटो तो ना है। कौन? माता पिता गुरु और ईश्वर, क्योंकि ये चार घाटे की बताते ही ना है। कभी जिंदगी में इस पर ये विचार मत करना कि चाहे हम करें कि ना करें, क्योंकि ये चार घाटे की बताई ना सकते। तब कही महाराज बताओ, भगवान राम बोले हमारी मानो तो तुम अपन ब्याह कर ले। देवताओं की जी चाल चलिए तो ठीक है कर लेंगे, न महीना बताओ न तिथि बताई न दिन बताओ। जैसे भगवान राम अंतर ध्यान हुए सब देवताओं मालूम पड़ी, सब ऋषियों को पता चला कि वे राजी है गए। आए बहुत जल्दी, कहो महाराज अब राजी हो? बोले नाथ जी हाँ भैया वो तो राजी ही है, पर देखो एक काम तुम गलत कर रहे हो, तुमने मोह तो राजी कर लो है और चार लड़की तुम्हें शादी करवा रहे हो, बार लड़की पूछ ली है तुमने और का उतरा तुम वो बरना बना के ले गए, बाने कह दिया मैं ना हूं जा बूढ़े बाबा तराजी, तब तब तैयारी भी कर रही मेरी भी कर रही। सोता बंधु एक बात ध्यान रखना, जीवन में लड़के को तो सब पूछते हैं, शिवजी संकेत करते हैं कि बेटी को भी पूछना चाहिए। दुनिया में दो गरीब है, एक लड़की एक बैल, और राह पकड़ कर दीजिए चले जाए अपनी अपनी। बेटी का उन्हें पूछे लली जीवन की डोर जाए संग बांध रहे हैं तो पसंद है, कोई नहीं पूछता। लेकिन भोलेनाथ संकेत कर रहे हैं कि पूछना चाहिए। और भैया ये भंडारे में दान है 200 रुपए बीरपाल सिंह दूधिया ग्राम औरनी, 500 रुपए सुगर सिंह फौजी गांव पैसोई से भंडारे में दान है। भैया परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तब आती है, कष्ट कब होता है कि लड़की को जब देखने जाते हैं, सब पूरे समाज से कह रहा हूं ध्यान से सुनना, और लड़के वाले जब जाते हैं लड़की को देखने तो भैया मेरी एक बात ध्यान से मान लियो, बस बिटरिया द्वही सवाल बहुत है कि ललित तू कैम पढ़ते थे भैया कह, और इतने ही दो बात बता दे सोई बात कह देखो जा काम कर पा। पर काऊ काऊ जगह तो बात इतने सवाल कर दिए जाते हैं, तेत तो वो इंतान में उदय के ना आई है, उस समय ये भूल जाते हो कि आज तुम बेटा वाले बन के आयो तो कल तुम भी बेटी वाले बनोगे, तुम्हारे दरवाजे पर भी कोई आएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना, पर जय मानता कौन है, कौन मानता है? और सुनो अब बेटिया तुम्हारे मतलब की बात बता रहा हूं, जो जालंग के तो ताली बजाएंगे ना, तुम्हें अगर मेरी बात अच्छी लगे तो ताली बजाइयो खूब अच्छी लगे। लड़की की जो गोद भरने आते हैं लड़का वाले और तादिन
लड़का पछते जो लड़की की बहन लड़का की बहन आपका बात बड़ा थानेदार नागुनी आपका बोलो सही है तो सही है तो ताली बजाओ। लड़का की जो बहने आते हैं बात तुम कितने रुपया दे दियो बढ़िया सूट मंगा दियो खूब खातर कर दियो पर बाबू मुंह सूदो हो गया वही ना पर ध्यान रखना फजीता कहां पड़ता है कि जे प्रेमवीर गए पाई बहू की गोद भरवे लेकिन सुनो मैं बता तो इसलिए रहा हूं कि नाम पर धर के बता दो तो जे नाराज ना होंगे कोई नाराज ही है जाए हम पे तो एक बात जीवन में ध्यान रखो कि लड़की चाहे एमए बीएड होए और कितनी पढ़ी लिखी होए और जा दिन गोद भरवे आता है ता दिन वो सवेरे तो रोटी ना खाते हैं और बाकी दिमाग में एक ही बार जाता भगवान जन का हो गए हो जन का हो गए हो सो जे गए गोद भरवे जे गए नहीं बाप गए नहीं मेहताई गई और नहीं बहन गई सो जाके जलला की हमारे जीतू की वो मम्मी सामने बैठा दी कुर्सी पे सो बैठा दें सामने कुर्सी पे सो शब्द पहले प्रेमवीर के पिताजी ने कही ललनी मकई रोटी कर लेते हैं बिन्ने पलंग तक कर लेता है तो बस बेटा हमें तो इतना ही चाहिए फिर ना कि मेहताई ने कही के ललि बीजना बोल लेते हैं क्या बोल लेता है अलग हटिया अब बहन जी को नंबर आओ सोने कही के बहन में गांठ दे के इंग्लिश में नाम लिख लेती हूँ वॉशिंग मशीन चलाना जानती हूँ के जानता है लिखी भी लेते हैं अलग हटो प्रेम बिन्ने की मेरो ही ब्याह है मैं ही पूछू ना नंबर उन्होंने आए वो तो सामने आए और जीतू की मम्मी ने कही हे परमात्मा न्याते पास है जाओ सो क्लियर सो कही के ए गाना गा लेती हूँ उन्हें की गा लेता है नाच लेती हूँ के नाची लेते हैं तो ठीक है सब जने पूछ गया मामलो बड़ी तब कही उन्हें कुर्सी पर देखा सुनो तुमने तो जो जो सवाल पूछे मैंने उसका जवाब दिया है अब तुम समझ ने कह दो तो क्या लड़का ते को सवाल मैं पूछ लू अब प्रेम भी रहे बुखार वाओ को कहूं कहीं ना देखा ठारे को पाड़ो सुना के पूछ ले पसीना तो आगो माथे पे पूछ ले तो कहा ए मिस्टर प्लीज कम हियर इधर आओ सामने आओ का कही तुमने का गानों गा लेती हूँ तो मैं गाऊ लेती हूँ फिर तुमने कहीं नाच लेती हो तो नाच ही लेते हो अब तुम बताओ तुम तबला बजा लेते हो कि मुंह पे ना अच्छा गाऊंगी मैं और नाचूंगी मैं तो तबला का तय डोकर बजाऊंगे भूल गए जानते गए थे तो जाको एक सिद्धांत जी है कि कुल मिला के बेटी से वही सवाल कर दो कि बेटा तुम कह तक पढ़ी हो तय भैया कहें बस जा इतना ही वक्त है भाई इतने सवाल कर दिए जाते हैं कितने तो माने इंतान में होना है इंटर हाई स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए आज भोलेनाथ कहते हैं कि जाओ पूछो तो संतों ने जाकर के पूछा तो पार्वती भजन पर बैठी थी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ए ललित किन को भजन कर रही हूं कि मैं भजन कर रही हूं शिव जी को क्यों कि बाबा मैं शिव जी से शादी करूंगी शादी महात्मा बोलेगा सांप को मंत्र जानते हैं जहर को कटोरा लिसरो रही है पहली पाई पचा ले किन्ने बहका दिया सब शरीर पर सांप रहते हैं बाबा एक बार कहो चाहे हजार बार को ब्याह करूंगी तो शिव जी ते ही करूंगी ललित कई को गए कि मोते नारद कह गए ए पागल नारद सीख सुने नर नारी अवश्य भवन तज होई भिखारी नारद की बात माननी है बाबा अलग हटो तुम बिल्कुल शादी करूंगी तो शिव जी ते ही महात्मा मुस्काए गए कि लड़की बिल्कुल मजबूत है अब नहीं हटे बे लौट के आए तो भोलेनाथ पे सो गए बे बच्चे वो चाहते हैं शादी थे तो तद बेटा जिनके वही ना बहे ब्याह बेजा बात है खूब गांठ खोल के सुन ले जो होटल मामा को तो तैयार डोलो दो ब्याह को था जो छोटे बाहो तो बेटा ब्याह एक ऐसा लड्डू है शादी एक ऐसा लड्डू है चाहे खा ले वह सौ परेशान और न खावे सौ परेशान और ईमानदारी की बात तो जा जिनने खा लो सो ज्यादा परेशान है पर बे बेचारे कई ना सकते कर मैं परेशान हूं श्रोता बंधु उस समय आज देवताओं ने मीटिंग एकत्रित की और सभा इकट्ठी की
और उसमें ये विचार रखा कि शिव जी को कौन जगाएगा। तब कामदेव गया था अपनी पत्नी रति को लेकर के, तो कामदेव ने जब विश्व पर कब्जा किया और फिर भी जब शिवजी नहीं जगे, जब शिवजी नहीं जगे और तब कामदेव ने और पांच बाण तरकस में रखे और पेड़ पर बैठे, पेड़ पे, और शिवजी सामने थे, करता क्या था। छोड़े बिसमा बिसकयुरा लाए, क्रोध में खुल गया तो कामदेव चल के भसा। अब रति बेचैन हुई, रति का जब श्रृंगार उलटने लगा तो रति भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के बोली, महाराज मेरे पति महाराज आए देखे। भोलेनाथ बोले, कौन पति? महाराज मैं कामदेव की पत्नी हूं। तो कामदेव तो जल गया, उसने मेरा अपमान किया था, वो अब नहीं है जिंदा, तो महाराज फिर मैं बिना पति के कैसे रहूंगी, तो मोगे तो बताओ। भोलेनाथ जी, तेरा पति तुझे इस समय नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, तेरा पति अदृश्य रहेगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन शरीर धर के कम मिलेगा, शरीर रख के कम मिलेगा, उसे सुन, विचार करना। यह थी भारत की सभ्यता और यह थी भारत की संस्कृति, कितना लंबा इंतजार बताया भोलेनाथ ने, क्या जब यदुवंश कृष्ण